आपका स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 3000 पोस्ट पर होने वाली भर्तियों की। हिमाचल में भी 26 पद भरे जाने वाले हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम हिमाचल में होने वाली भर्तियों के बारे में आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को। वीडियो में आगे बात करने से पहले, आप अगर जियो अकाउंट्स जूनियर ऑडिटर की तैयारियां कर रहे हैं तो इसके लिए आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं पेपर वन और पेपर टू के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी ऐप का लिंक मिल जाएगा, उस ऐप को इंस्टॉल करना है और आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा आप एचपी हाई कोर्ट क्लर्क, हिमाचल अलाइड एग्जामिनेशन और पटवारी पुलिस के भी टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और कोर्सेज बाय कर सकते हैं हमारी गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू ऐप के माध्यम से। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बात करते हैं आज की जॉब नोटिफिकेशन की। टोटल 3000 पद भरे जाने वाले हैं अप्रेंटिस के, और अगर बात करें हिमाचल की तो हिमाचल में 26 पद भरे जाने वाले हैं। ये पद भरे जाएंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेज में। टोटल 26 में से 6 पद एससी के लिए रिजर्व रहेंगे, इसके अलावा एक पोस्ट एसटी के लिए रिजर्व रहेगी, 5 पोस्ट ओबीसी के लिए रिजर्व रहेगी, 3 पोस्ट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व रहेगी और इसके अलावा 11 पोस्ट अनरिजर्व या जनरल के लिए रहने वाली है। इसके लिए आप अपना अप्लाई शुरू कर सकते हैं 21 फरवरी 2024 से लेकर 6 मार्च 2024 तक। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं उनको देने होंगे 400 रुपीज़ प्लस GST। एससी एसटी ऑल वुमेन्स एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स तो आपको देने होंगे 600 रुपीज़ प्लस GST। इसके अलावा जो ओबीसी में है, जो अनरिजर्व है, उनको देने होंगे 800 रुपीज़ प्लस GST। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए, आपकी एज 20 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर आप आते हो रिजर्व कैटेगरी में तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाने वाला है। आपका सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन। उसके बाद जिस भी स्टेट के लिए आप अपना आवेदन कर रहे हो तो उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, उसका एक लोकल लैंग्वेज प्रूफ आपके पास होना चाहिए। लाइक एज हिमाचल की लोकल लैंग्वेज मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है तो आपके मैट्रिकुलेशन में हिंदी एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। बात करें स्टाइपेंड की या सैलरी की तो आपको 15,000 रुपये पर मंथ दिए जाने वाले हैं और आपको 12 महीने के लिए रिक्रूट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको ये परमानेंट जॉब देने वाले हैं, आपको सिर्फ 12 महीने के लिए रिक्रूट किया जाएगा। आपको बैंकिंग कार्यप्रणाली के बारे में सिखाया जाएगा और 12 महीने के बाद आपको बैंक छोड़ना होगा। इसके अलावा आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। दोनों ही ग्रुप्स के लिंक आपको मिल जाएंगे हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज की हमारी इस शॉर्ट वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा।